आखिरकार समय आ गया है, पूरे साल के बेस्ट वर्कर अपने अवार्ड का इंतजार कर रहे हैं। क्या इत्तेफाक है, ये सारे ही प्रेग्नेंट है। ओप्स, मैं बीमार होने वाली हूँ और मुझे अभी के अभी बाथरूम जाना है। मेरी मदद करो, मुझे लगता है मैं लेबर में जाने वाली हूँ। बेटी को सफाई करना बहुत पसंद था। ओ नहीं, यहाँ बहुत कूड़ा है। पर इस बड़े पेट के साथ सफाई करना बहुत मुश्किल है। ओह, ये मुझसे नहीं होगा, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए। हे भगवान, मदद करो। ओह, लगता है वो लड़की दर्द में है। कहाँ दर्द हो रहा है, तुम्हें अभी काम नहीं करना चाहिए। परेशान मत हो, हम इसे साफ कर देंगे। बस पॉपकॉर्न्स को पकड़ो, ये मैं कर सकती हूँ और मैं रास्ते से हट जाती हूँ ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। ये टेस्टी है। अब दर्द ठीक है, मुझे बस थोड़ा और आराम चाहिए। जब तक तुम साफ कर रहे हो, अब सब सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन अच्छा रहे। ओह, वो कौन है, हेल्थ इंस्पेक्टर? मिट्टी का नामो निशान नहीं, ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी मेहनत के लिए मेरे पास कुछ है। बिना काम किए पैसे मिलना बहुत मजेदार होता है। टैटू आर्टिस्ट होना एक बढ़िया चीज है, यहाँ कितना आराम है। मैटरनिटी लीव की कोई जरूरत ही नहीं। पर यहाँ कुछ डरपोक क्लाइंट्स हैं। ओह, मुझे एक टैटू चाहिए, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। बेचारी वो कांप रही है। तुम्हें सिर्फ डिजाइन चुनना है, ये इतना आसान नहीं है। मैंने पहले कभी टैटू नहीं करवाया, मुझे डर लग रहा है। क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो मैं अपनी पसंद का टैटू बना देती हूँ। अपना हाथ दो, दर्द नहीं होगा, ये बिल्कुल मच्छर के काटने जैसा है। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। पेनी को अब गुस्सा आ रहा है। आखिरी बार ट्राई करो। ओह देखो, मेरा बेबी भी टैटू से नहीं डरता। वाह, पूरे पेट पर टैटू बने हुए है। चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। तुमने मुझे मना लिया, ये हुई ना बात। हो गया। वाह, तुम बिल्कुल प्रोफेशनल हो, जाहिर है मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा कूल होगा, है ना प्रांगस्टर? प्रेग्नेंट शेफ आज कुछ स्पेशल बनाने के मूड में है। सैलरी सबसे अच्छी होती है। ये किस तरह की सॉसेज है? ओह, ये स्वादिष्ट है। क्यों ना अगर इसमें थोड़े मार्शमेलोज डाल दूं तो? इस पर थोड़ी वॉलनट सॉस डालो और इसे साथ में मिक्स कर दो। नहीं, कुछ कमी है। हाँ, केचप, फिर और अच्छा बन जाएगा। और लेमन जूस भी, और थोड़ा जेस्ट भी। वाला, ये शेफ की स्पेशल डिश है। हाँ, ये बहुत सुंदर दिख रहा है, मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। ओह नहीं, एओ, ये क्या है, इसे खाना नामुमकिन है। तुम इसका टेस्ट समझ नहीं पाए, पर कुछ लोग पक्का समझेंगे। मेरे पास एक आइडिया है, अब से ये कैफे प्रेग्नेंट औरतों के लिए है। प्रेग्नेंट औरतों का स्वागत है, ये मेरे खाने को बहुत पसंद करेगी। बढ़िया, फ्लेवर्स का कितना बढ़िया टेस्ट है, ये अब तक की सबसे स्वादिष्ट चीज है। शेफ ने क्या कमाल किया है, शेफ आप एक जीनियस हो। ये आखिरकार मेरी मेहनत सफल रही। शो 5 मिनट में शुरू होगा। पेनी, क्या तुम तैयार हो? गुड आफ्टरनून, आज की वेदर रिपोर्ट है, आसमान में सूरज रहेगा और गर्मी होगी। क्या, बिल्कुल नहीं, क्या हम रिपोर्ट चेंज कर सकते हैं? ये सही है, ईस्ट कोस्ट के पास जोर का तूफान आएगा। तूफान? वो बहुत तेज और खतरनाक होता है। क्या किसी तरीके से हम चीजें फिर से बदल सकते हैं? पर तूफान नहीं, वो बहुत डरावने होते हैं। किसी भी तरीके से मौसम मेरे मूड के हिसाब से नहीं होगा। ओह, फिर से सूरज निकल गया। चलो सूरज को ही रहने देते हैं, मुझे बैठना है। बाय। एक प्रेग्नेंट लाइफगार्ड, औरतें बेमिसाल होती है।
तैरने का समय है। पानी कितना गर्म है, चलो चलेंगे। और जब बेटी पानी में खेल रही है तब निकी ने निगरानी रखी हुई है। सब कुछ सही है, अब मैं झपकी ले सकती हूँ। ओह नहीं, ये क्या हो गया? बचाओ, कोई मेरी मदद करो। ओह वहाँ क्या हो रहा है, मुझे मदद करनी होगी। सेफ्टी रिंग कहाँ है? ओप्स, मेरा पेट तो बढ़ गया पर रिंग्स वैसे ही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। खैर मुझे दूसरे तरीके से करना होगा। पकड़ो ये, मदद करो। मैंने कर दिखाया। माफ करना बेटी, आज अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। हर कोई जैसे तैसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वाह, किसी को अपनी मेटर्निटी लीव पर जाने की जरूरत है। हाँ जल्द ही। मुझ पर चिल्लाओ मत, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं प्रेग्नेंट हूँ? हे, मेरे बालों को मदद की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। तुम मेरी मदद कर सकती हो, है ना? ये कैसा सवाल है? जाहिर है मैं कर सकती हूँ, मेरे पास बाल बढ़ाने के लिए एक नया स्प्रे है। बस कुछ सेकंड और। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, मेरा रुकने का मन ही नहीं कर रहा। ये बहुत बढ़िया है। नहीं, उप्स, स्टाइलिस्ट कुछ ज्यादा ही मगन हो गई है। ये तुमने क्या किया? ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? अरे हाँ, मुझे अपनी हालत का फायदा उठाना चाहिए। ओह, मेरा बच्चा। ओह नहीं, बैठ जाओ और शांत रहो, ये इतने बुरे भी नहीं है, ये बस बाल ही तो है। क्या तुम्हें अब अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ, प्रेगनेंसी हर जगह काम आती है। बेटी को कैदियों पर निगरानी रखनी होती है। खैर प्रेग्नेंट औरतों के लिए चलना अच्छा होता है। तुम कैसे हो? कोई ऐसा जो आपको समझे, उससे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। और बेटी से अच्छा कैदियों को कौन समझ सकता है, वो दोनों एक जैसी हालत में ही है। क्या तुम्हें भी कमर दर्द और थकावट होती है? ये एक बॉक्सर की तरह लात मारता है, हाथ लगा कर देखो। हाँ तुम सच में काफी मुश्किल में हो बेचारी, अपनी प्रेगनेंसी जेल में बिता रही है, अफसोस की बात है। तुमने होने कैसे दिया, ये बहुत गलत है। चलो तुम जा सकती हो, तुम कितनी अच्छी हो। हग्स नहीं, क्या तुमने हमारे पेट नहीं देखे? आराम से दरवाजे से चली जाओ और फिर तुम आजाद हो। और अपने विटामिन्स लेना मत भूलना, तुम भी। हाँ मैं भी ले लूंगी। ठीक है तो ये दिक्कत है। हाँ ये बहुत बढ़ गए हैं, पर कोई बात नहीं, निकी को पता है कि उसे क्या करना है। ये इतने मोटे हैं कि रेजर से काम नहीं हो पाएगा। ओह अब हम क्या करेंगे? हाँ वैक्स स्ट्रिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तैयार, आउच, हो गया। तुम एक जादूगरनी हो, मेरी टांगे अब बहुत मुलायम हो गई हैं। हाँ और निकी भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। सुनो क्या तुम भी मेरी मदद कर सकती हो? हाँ ये कुछ नया है, पर आप एक प्रेग्नेंट औरत को मना कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल मैं मदद करूंगी, बैठ जाओ। जादू स्ट्रिप का कमाल, अल्ट्रासाउंड करने का समय है। खैर खैर खैर, हेलो, बच्चा कैसा है? अब हम सब कुछ देखेंगे और चेक करेंगे। ये तुम्हारा बेबी है, बहुत प्यारा है। हे भगवान, क्या मैं तुम्हें अपना बेबी दिखाऊं? ये बहुत स्वीट है, बिल्कुल अपने डैडी की तरह। यहाँ देखो कितनी परफेक्ट नोज है। ओह लगता है कोई कुछ भूल गया। अब बस मेरा हो गया। क्या वो चली गई? कोई बात नहीं। हे बेबी, क्या तुम अपनी मॉम को पहचान पा रहे हो? मैं तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। कौन कहता है कि प्रेग्नेंट औरतें स्लो होती है? स्कूटर कब काम आएगा? 5 मिनट में पिज्जा पहुँच गया। हालांकि डिलीवरी गर्ल थोड़ा थक गई है। ओह मुझे इसे ऊपर लेकर जाना होगा। हेलो, आपका पिज्जा आ गया, क्या आप नीचे आ सकते हैं? एलिवेटर काम नहीं कर रहा, मुझे फिर से चलकर जाना होगा। यहाँ कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं। डिलीवरी गर्ल के लंच करने के लिए बहुत है। ये लो तुम्हारे पैसे और ये रहा आपका ऑर्डर या जो भी बचा कुचा है। ठीक है मुझे जाना होगा। हे, ये बॉक्स इतना हल्का क्यों है? क्या ये खाली क्यों है? पर आप एक प्रेग्नेंट औरत पर गुस्सा कैसे हो सकते हैं? काम की मीटिंग का समय है। ओह ये रही सीईओ, तुम खाली क्यों बैठे हुए हो?
काम करो। क्या मैं एक मिनट के लिए जा सकता हूँ? नहीं, तुम नहीं जा सकते। काम नहीं रुकना चाहिए। उसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? ओह, कम से कम वो एक प्रेग्नेंट औरत की तरह बाथरूम तो जाती है। ओह, मैं बस एक मिनट में आई। मुझे लगता है ऑफिस को मूव करना चाहिए। बॉस की कॉल। हे, बहुत दिन बाद मिले। हाय। क्या तुम्हें भी यही दिख रहा है? लगता है बॉस ने सच में मूव करने का फैसला ले लिया। ऐसी हालत में बाथरूम से काम करना ज्यादा फायदेमंद है, पर टॉयलेट पेपर पर रिपोर्ट्स लिखना, ये बहुत ज्यादा हो गया। आपको हमारी प्रेगनेंसी स्टोरी कैसी लगी? आपने अपनी लाइफ में कौन सी मजेदार प्रेगनेंसी सिचुएशन देखी है? हमें इस बारे में कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पास और भी बहुत सी मजेदार वीडियोस हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, बेल को दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर अगर वो प्रेग्नेंट है तो।